केंद्र सरकार दे नाल गलबात करन दे लई किसान आगुआं दा एक वफद सिंघू बार्डर तो बस ते सवार हो के दिल्ली दे विज्ञान भवन पहुंच चुका है। दस्सयोग है कि खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग नूं लैके किसान आगुआं वल्लों अज केंद्र सरकार दे नाल सत्तवें गेड़ दी गलबात कीती जावेगी। पूर्वी लद्दाख में चीन नाल जारी सरहदी विवाद विचकार अज वड्डा बयान देंदे होए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अजे कोई ठोस नतीजा नहीं निकलिया है। एलएसी ते तनाव बरकरार है। चीन दे नाल जल्द सेना पद्धर की गलबात होन जा रही है। उन्होंने कहा कि जे कोई देश विस्तारवाद की नीति अपना रहा है तो भारत को उसका जवाब देने की ताकत है। किसान अंदोलन से बोलदिया उन्होंने कहा है कि किसानों नक्सल या खालिस्तानी कहना गलत है। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि साढ़े सिख भरावान ने भारत के सभ्याचार की रक्षा की है। उन्होंने योगदान कदे भी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने भारत के आत्म सम्मान बचाया है। उन्होंने ईमानदारी से कोई सवाल नहीं है। कांग्रेसी विधायक और साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एकोंकार खंडे के निशान वाला शोल अपने उपर लैन के मामले के सिख जगत के कोलों मुआफी मांग ली है। सिद्धू ने इस संबंधी अज सवेरे ट्वीट किया लिखा कि श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च है और जेकर उन्हें अनजाने के सिखा दी भावनावां नूं ठेस पहुंचाई है तो वह मुआफी मांगते हैं। दस्सयोग है कि बीते दिन श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस शोल लैन की सख्त शब्दों के निखेधी करदिया नवजोत सिंह सिद्धू नूं सिख जगत दे कोलों तुरंत माफी मंगन दे लई कहा सी। किसान अंदोलन दौरान अपने टावरां नूं हो रहे नुकसान नूं लैके अज रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते डीजीपी दिनकर गुप्ता नूं चिट्ठी लिखी है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने इस मामले दे विच कैप्टन अते डीजीपी कोलों दखल देने की मांग की है। दिल्ली अंदोलन विच हिस्सा लैन जा रहे एक किसान की सड़क हादसे विच मौके ते ही मौत हो गई। तफ्तीशी अधिकारी सहायक थानेदार धर्मपाल चौधरी ने दस्या है कि उक्त किसान ने मोटरसाइकिल ते पहला मोहाली अते उत्थों अपने होर साथियों नाल दिल्ली जाना सी। इस दौरान रास्ते विच इत्थों दे गुरुद्वारा बूंगा साहिब नेड़े किसी अणपछाते वाहन वालों उसके मोटरसाइकिल नूं फेट मार दी गई। इस हादसे विच उक्त किसान की मौके ते ही मौत हो गई। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध दे विच दिल्ली दीआं वख-वख सरहदां ते जारी किसान मोर्चिआं दौरान आ रहीआं दुखदाई खबरां दरमियान अज जिला मानसा दे पिंड भादड़ा दा इक नौजवान इस अंदोलन दी भेट चढ़ गया। इस संबंधी पिंड भादड़ा दे सरपंच सुखपाल सिंह अते किसान आगू दर्शनपाल सिंह गुरने कला ने दस्सिआ है कि बीती रात जगसीर सिंह जिसकी की उम्र 31 साल दसी जा रही है पुत्र जरनैल सिंह वासी भादड़ा टिकरी बार्डर तो 14 किलोमीटर की दूरी से स्थित 158 नंबर पोल के नज़दीक पकौड़ा चौक के विखे सड़क पार कर रहा है। इस दौरान अचानक तेज रफ्तार अणपछाते वाहन ने उसनू फेट मार दी जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने दस्सिआ कि उक्त नौजवान भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां नाल संबंधित है। यूरोपियन देश क्रोआतिया दे विच 6.4 तीव्रता वाला भूचाल आया है जिस कारण उत्थे काफी जानी ते माली नुकसान होया है। भूचाल कारण हुण तक सरकार वल्लों 7 लोकां दी मौत दी पुष्टि कीती गई है जदकि सैकड़े लोग जख्मी होए ने अते इत्थे राहत ते बचाव कार्य चल रहे ने। उधर इटली विच भी 4.4 तीव्रता वाला भूचाल आया ते 3 वार झटके महसूस किए गए। इटली विच भूचाल दा मुख केंद्र वीरोना तो 20 किलोमीटर की दूरी ते पैंदे शहर सैलीजोले सी। खबर लिखे जान तक इटली सरकार वल्लों किसी भी जानी ते माली नुकसान की पुष्टि नहीं की गई पर भारतीय भाईचारे के लोग प्रभावित खेत्र विच अपने रिश्तेदारों की फोन करके खबर लै रहे हैं अते लोगों विच डर का माहौल है। भारत में कोरोना वायरस का नवा रूप पैर फैलाता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन तो भारत परते 20 यात्रियों में हुण तक कोरोना वायरस का नवा स्ट्रेन मिलिया है। इससे तो पहला बीते दिन भी देश के वख-वख हिस्सों विचों 6 अजिहे मामले सामने आए सन। दस्सयोग है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नवे रूप ने हाहाकार मचाई हुई है जिस तों बाद भारत ने यूके तो आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी सी। हालांकि बीते कुछ समय तो यूके तो जिन्हें भी लोग परते ने उन्हां दी जांच की जा रही है और जिहड़े लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हां दी जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोरोना के नवे स्ट्रेन का पता लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस के नवे रूप की वजह कारण केंद्र सरकार ने ब्रिटेन तो आने जाने वाली उड़ानों पर लगी पाबंदी 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिता है। केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी के वल्लों यह जानकारी दी गई है। दस्सयोग है कि इस तो पहला यूके दी उड़ानों पर 31 दिसंबर 2020 तक रोक लगाई गई सी। पंजाब विच पिछले दिनों तो पै रही कड़ाके की ठंड और धुंध कारण लोग ठरू ठरू कर रहे हैं। जिला अमृतसर विच पई संघनी धुंध कारण रोजमर्रा के कामकारा ते जाने वालों नूं भारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। सड़कों ते वाहन मध्यम रफ्तार विच अपनी मंजिल वल वधदे देखे जा सकते हैं।
BSF सैक्टर हैडक्वार्टर गुरदासपुर अधीन पैंदी भारत पाक कौमांतरी सरहद के खेतर विचों बीती रात पाक तस्करां वलों हैरोइन ते असले दी तस्करी दी खबर मिली है। पाक तस्करां दी इस वारदात नूं BSF वलों नाकाम कीता गया। दस दईए कि पाक वलों इस खेतर विच पहलां ड्रोन दी घुसपैठ कीती गई सी जिस नूं BSF वलों नाकाम कीता गया सी, जबकि बीती रात पाक वलों नशे दी तस्करी दी वारदात सामने आई है। सूत्रां दे हवाले अनुसार 10 पैकेट विच हैरोइन, 3 पिस्टल, 6 मैगजीन अते अफीम बरामद होने की खबर है। मौके ते BSF दे उच्च अधिकारी पहुंच गए ने। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।